मन में अगर हिम्मत बनाकर रखें तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। ये कहावत महाराष्ट्र में दो परिवारों पर चरितार्थ होती है। जी हां, आपको बता दें कि एक ओर जहां पूरे देश में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान ट्रेन व बस परिसेवा रद्द कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान फंसे महाराष्ट्र के दो परिवार के सदस्य यातायात हेतु कोई साधन उपलब्ध न होने पर पैदल सफ़र करने को मजबूर हो गए और दोनों परिवार अपने तीन छोटे बच्चों को लेकर 7 दिनों तक लगभग 200 किलोमीटर के सफ़र तय कर बर्दवान से खड़गपुर पहुंचे। जब वे शनिवार की सुबह खड़गपुर पहुंचे तो सभी उन्हें देखकर दंग रह गए। ये सभी लोग महाराष्ट्र के वसीम ज़िले के निवासी बताए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से पुलिस वाले ने हमको भगा दिया कि बोले यहाँ से अभी कोई नहीं, इधर रुकने का नहीं। हमारे ऊपर से ऐसा ऑर्डर आ गया कि इधर रोड पे कोई रुकने नहीं देगा। तो हम जो वो उधर से हावड़ा स्टेशन आ गए, हावड़ा स्टेशन पे तो कोई रुकने नहीं दे रहा। इसके वजह से हम अभी पैदल पैदल चलते 4 दिन से इधर 5वां दिन आज इधर तक पहुंच गए सर। हाँ सर, इधर लोग बहुत लोगों ने व्यवस्था किया, खाना पीना खिलवाया। रास्ते में भी सब लोगों ने खाना पीना दिया, कोई बिस्किट देता है, कोई खाना देता है। रात को इधर गुरुद्वारा में गया था, गुरुद्वारा में भी हमको अच्छे से व्यवस्था हो गई, खाना पीना सोने का सब इंतज़ाम हो गया हमारा। यहाँ रुक के क्या करेंगे, इधर कोई हमारा जान पहचान वाला नहीं है, कुछ नहीं है। इसके वजह से हम सीधे सीधे निकल पड़े।